महावीर सिंह। महावीर जी कहाँ के रहने वाले हैं और यहाँ कब से यहाँ पे किसान आंदोलन? हम शुरू से ही हैं और हमारा गांव दिल्ली में है, ये टीकरी बॉर्डर के पास गांव है नीलवाल। प्रधान जी, जिस तरह से ये पक्के मकान बनाए, इसकी क्या जरूरत पड़ गई और आप लोगों का जो हड़ताल चल रहा कब तक चलेगा कुछ? देखिए, 1991 के बाद देश आर्थिक गुलामी की जंजीरों में जकड़ा जा चुका है। ये सरकारें जो बनती हैं एक तरह से नूरा कुश्ती देश में हो रही है, पूंजीपतियों से पैसा खा खा करके ये नकली लड़ाई चल रही है। आज इस जो पूंजीपतियों के तरफदारी की नीतियां जो है इस सरकार ने बहुत तेज़ गति से बढ़ा दी हैं। सब कुछ ये बेचने में लगे हुए हैं, सरकारी महकमों को बेच रहे हैं। सरकार में बैठकर हमने भेजा इनको रखवाली करने कि भाई कांग्रेस देश को बेच रही थी, हमने सोचा ये रखवाली करेंगे, ये उससे भी ज़्यादा बढ़कर मिले, उनके भी बाप मिले। तो इस तरह से आज सारा देश सड़कों पर खड़ा हो गया, मजबूर हो गया, क्योंकि खेती किसानी को ख़त्म करने की साजिश हो रही है। हमारे देश के पास सिर्फ 2.4% जमीन है दुनिया की और आबादी 17% है, लेकिन इनको ये दिखाई नहीं दे रहा कि आगे भूख की का फिर संकट आएगा देश में, क्योंकि हमारी ज़मीनें रासायनिक खादों से और कीटनाशक दवाइयों से बंजर होती जा रही हैं, ज़मीनें दम तोड़ती जा रही हैं और पैदावार घटेगी। आगे प्रदूषण बढ़ रहा है दुनिया में, उससे भी हमारा जो है पैदावार घटेगी। आगे ये संकट जो है सबको दिखाई दे रहा है, थोड़ी थोड़ी लोगों पे ज़मीनें रह गई हैं और सरकारी नौकरी किसान के बच्चों को अब ख़त्म हो गई है, न सरकारी नौकरी है, न खेती में कुछ बचत है, खेती घाटे का सौदा बन चुका है। इनकी गलत नीतियों के कारण ऐसा हो रहा है। आज देश में इन्होंने 2000 से लेकर 2020 तक इन्होंने 45 लाख करोड़ किसानों का लूट लिया भाव के आधार पर, और 12 लाख करोड़ से ज़्यादा किसानों पर कर्ज हो चुका है। 1970 में सिर्फ पूरे देश के किसानों पर 11 करोड़ रुपए कर्जा था, आज वो कर्जा बढ़ता जा रहा है। और देश में जो नंगापन और नशे, इनको बढ़ावा दिया गया है, क्योंकि पूंजीपतियों के ये बहुत बड़े हथियार हैं, जिससे हमारे नौजवान ये सोच ना सके कि कौन हमें लूट रहा है, कि इसका क्या उपाय है, हमें क्या करना चाहिए। आज नशों में देश को फंसा दिया, नंगापन फैला दिया, और जो आज़ादी देश में जिसको ये कहा जा रहा है वो समलैंगिक संबंधों की आज़ादी है, अवैध संबंधों की आज़ादी है और लिव इन रिलेशनशिप की आज़ादी है। इस तरह के ये भोंडी संस्कृति जो देश में लादी जा रही है विदेशी कंपनियों द्वारा 1991 के बाद, आज न्याय व्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था दोनों पंगु बन चुकी हैं। उनकी जो राक्षसी सभ्यता है और भोंडी संस्कृति है वो देश में आ रही है। खेती किसानी भी आज इसी कारण संकट में है, क्योंकि अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में जब अनाज सस्ता होता है तो समुद्र में फेंक दिया जाता है, जब दूध सस्ता होता है डेनमार्क और ऑस्ट्रेलिया वगैरह में तो उनको समुद्र में, नदियों में बहा दिया जाता है, लेकिन यहाँ तो दूध को हम पुत्र के समान समझते हैं, अन्न को देवता माना जाता है। हमारी संस्कृति बिल्कुल उनसे उलट है, हमारी संस्कृति तो वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है, और हम जीव जंतु पर दया करने वाले, जीव जंतु की रक्षा करने वाले वे मांसाहारी लोग, उनकी संस्कृति हमारे से विपरीत है। उस संस्कृति को ये खेती किसानी में भी ला रहे हैं। खेती किसानी आज इसलिए खतरे में है क्योंकि कॉरपोरेट घराने जो विश्व की 5 विदेशी कंपनियां, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, उनके हाथ में 85% अनाज का व्यापार है। आज अगर हम बात करें जो आपकी आंदोलन कब तक चलेगा, कुछ ऐसा है इसका अनुमान, कब तक आपका? हमारा आंदोलन ये आर पार की लड़ाई है और ये शिखंडियों की सरकार है, जो मैं कहता हूँ कि ये नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री तो बहुत दूर की बात है, गांव के प्रधान पद के लायक भी नहीं है, नहीं तो ये कोई बड़ी समस्या नहीं थी। जैसे महाभारत से पहले श्री कृष्ण ने कहा था कि भाई इन पांडवों को 5 गांव दे दो, दुर्योधन ने कहा एक सुई की नोक के बराबर भी नहीं दूंगा। आज ये किसानों के साथ मजाक कर रहे हैं, 3 महीने से ज़्यादा हो गया मजाक उड़ा रहे हैं, किसानों का अपमान कर रहे हैं, और नरेंद्र तोमर तो ये कहने लगा कि सिर्फ 2 किसान मरे हैं, और अभी भी ये बंगाल में जाकर कह रहे हैं कि बहुत अच्छे कानून हैं, कभी कहते हैं कि इनमें गलतियाँ भी हैं, कभी कहते हैं ये आंदोलन पवित्र है, कभी कहते हैं ये आंदोलन जीवी है, कभी कहते हैं परजीवी है। हमारी खेती उजड़ रही है, हमारी पत्नी ने कहा कि हमारी खेती उजड़ रही है उसको संभालो, मैंने कहा इधर देश उजड़ रहा है,
ये खेती की बात कर रहे हो, ये देश का नाश करने में लगे हुए हैं। ये सरकार देश को गृह युद्ध की तरफ धकेल रही है और इसके परिणाम बहुत घातक होंगे। जब तक हमारी ये मांगें नहीं पूरी होंगी, हम कुछ मांग भी नहीं रहे हैं, हम कह रहे हैं कि ये तुम्हारे कानून गलत हैं, इनको वापस ले लो। बताओ इसमें हम क्या मांग रहे हैं, कैसा सरकार का इसमें क्या नुकसान है? सरकार का एक भी नुकसान नहीं है, आज तक वह नहीं बता पाए कि इसमें अच्छाई क्या है। और कोई कमी हमने 16 कमियां संयुक्त किसान मोर्चे ने बताई 11 बार की मीटिंगों में, उन्होंने मानी और बाहर आकर झूठ बोलते हैं कि हमें बताया ही नहीं कि इसमें काला क्या है। तो इस तरह से ये देश नहीं चल सकता। हम जो है ना, ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ जो किसानों से मिलकर खुश नहीं होता, यह आज तक किसी किसान से नहीं मिला है। सिर्फ नाटकबाजी करी है इसने गुजरात में जाकर, मध्य प्रदेश में जाकर, और किसानों से यह नफरत करता है। इसका बहुत बड़ा उदाहरण है, जब 2014 में ये सत्ता में आए तो सबसे पहले तो 2013 में भूमि अधिग्रहण कानून बनाया था, 1894 का अंग्रेजों का कानून खत्म किया था, उसको इन्होंने आकर रद्द किया था और वापस 1894 का कानून लागू किया था। 3 बार इसके लिए अध्यादेश लाया लेकिन राज्यसभा में वो कानून पास नहीं हुआ, इसलिए इनको चुप रहना पड़ा। फिर भी वो, क्योंकि खेती एक राज्य का विषय है, इन्होंने केंद्र ने ये कानून हमारे ऊपर थोपे हैं और ये मैं समझता हूँ कि अदालत में भी ये हारेंगे, क्योंकि इनका कोई आधार नहीं है। खेती को ये गुलाम बनाना चाह रहे हैं बहुराष्ट्रीय और ये देसी कंपनियों का, और इससे बेरोजगारी फैलेगी हमारे देश में। जिस तरह से ये प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है और उससे बड़े हालात खराब होंगे देश में। 5-5, 7-7 हज़ार में हमारे बच्चों को नौकरी करनी पड़ेगी, उन बेईमानों की करनी पड़ेगी जो टैक्स की चोरी करते हैं, जो मिलावट करते हैं, जो नकली माल बनाते हैं, जो 2 नंबर के धंधे करते हैं। आज हालात देश के बहुत विषम हो गए हैं, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, देश के नौजवान आज बेरोजगार 12 करोड़ से ज़्यादा बेरोजगार हो गए हैं, और किसानों को भी ये बेरोजगार करने जा रहे हैं, उनको मजदूर बनाना चाहते हैं। ये विश्व बैंक का हुक्म है कि 40% लोग जो है शहरों में रहने चाहिए। हम, ये भारत गांव का देश है, यहाँ जो है भारत की आत्मा गांव में बसती है, इसीलिए हम इनके खिलाफ ये लड़ाई लड़ रहे हैं। और जब तक ये बातें हमारी नहीं माने जाएगी, MSP कानूनी नहीं बनेगा और तीनों ये बातें रद्द नहीं होंगी, तीनों कानून, तब तक हम बिल्कुल नहीं हटेंगे। और चाहे सरकार, हम शांति से बैठे हैं, अगर सरकार दूसरी भाषा का इस्तेमाल करेगी, दूसरा तरीका अपनाएगी, हिंसा फैलाएगी, क्योंकि ये साम दाम दंड भेद सभी में फैल हो चुके हैं, नंगे हो चुके हैं। यहाँ पर किले गाड़ रखी है सामने, आप देख सकते हैं, जैसे हम पाकिस्तान के लोग हों, जैसे हम चीन के लोग हों, इसी तरह से आज यहाँ पर बॉर्डर बना हुआ है। ये बहुत ही शर्म की बात है, अफसोस की बात है, दुख की बात है। हमने ये सोचा था कि ये कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन इन्होंने सदा झूठ बोला है। 2014 से पहले ये क्या कहते थे, संसद नहीं चलने देते थे, कहते थे कि हम फुटकर व्यापार में विदेशी निवेश नहीं आने देंगे, 4 करोड़ से ज़्यादा दुकानदार बेरोजगार हो जाएगा। लेकिन 2017 में इन्होंने 100% निवेश की इजाज़त दी है, और 2017 में इन्होंने देशद्रोह का भी कानून बनाया है विदेशी कंपनियों से चंदा लेने का, क्योंकि इनका पेट नहीं भरा है देश के पूंजीपतियों के पैसे से। इन्होंने कानून बना दिया कि चुनावी बॉन्ड कानून जिसे कहते हैं, उसके खिलाफ खुद चुनाव आयोग ने हलफनामा दिया सबसे बड़ी अदालत में कि अगर ये कानून लागू हो गया तो हमारा देश विदेशी कंपनियों का गुलाम बन जाएगा। इस तरह से आज बहुत बड़े खतरे देश पर हैं। ये न तो इज्जतदार लोग हैं और झूठ बोलने में इनको शर्म नहीं आती है। मोदी जी ने तो विश्व का रिकॉर्ड बना दिया झूठ बोलने में। पिछले साल 15 अगस्त को इन्होंने सरेआम झूठ बोल दिया लाल किले से, शर्म आनी चाहिए। इन्होंने कहा कि 2 अक्टूबर से पन्नी बंद थैला लेकर जाना, आज आप देख सकते हैं हर दुकान पर पन्नियां हैं। कितनी झूठ ये बोलेंगे, हर जगह झूठ बोलते हैं। अभी पिछले महीने कह रहे थे कि मैं तो एक फ़ोन कॉल की दूरी पर हूँ, अरे शर्म आनी चाहिए। कितने आप झूठ बोलते हैं, शर्म, ऐसे झूठे लोगों का धिक्कार है, ऐसे उनको राज करने का कोई अधिकार नहीं है, ये देश पर शासन करने का नैतिक अधिकार खो चुके हैं। इसलिए इनको हम अपनी मांग में अगर ये नहीं माने जाते हैं तो हम इसका त्याग पत्र मांगेंगे, इस्तीफा मांगने की लड़ाई लड़ेंगे। हम ये कहेंगे कि आप इस सरकार को, इस देश को चलाने के काबिल नहीं है, इसलिए आप इस्तीफा दो, और नहीं तो हम इस पार्टी को, इस सरकार को रद्द करके रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जिंदाबाद किसान एकता, जिंदाबाद किसान मजदूर एकता, जिंदाबाद जय जवान जय किसान जय।